नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना को ऐसे फंसा दिया है कि वो कभी इधर तो कभी उधर झूल रही है। नागरिकता बिल पर पहले लोकसभा में समर्थन करने के बाद अपने सहयोगियों का गुस्सा और नाराजगी झेलने के बाद शिवसेना ने यूटर्न लेते हुए राज्यसभा में इस बिल के विरोध का ऐलान किया था और बहस के दौरान इस बिल में कुछ सुधार करने की मांग की थी। लेकिन आखिर में जब बारी वोटिंग की आई तो शिवसेना ने बिल के खिलाफ वोट न करते हुए अपने सहयोगियों के खिलाफ जाकर सदन से वॉकआउट कर दिया था और इसका नतीजा रहा कि एनडीए सरकार इस बिल को भारी मतों के अंतर से राज्यसभा से भी पारित करा लेगी। अब विपक्षी दल सड़क पर इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं। अब खबर आ रही है कि नागरिकता कानून के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलने जा रहा है, लेकिन इस प्रतिनिधिमंडल से शिवसेना ने किनारा कर लिया है। शिवसेना नेता संजय राउत से जब इस बारे में पूछा गया कि क्या शिवसेना नागरिकता संशोधन कानून को लेकर राष्ट्रपति से मिलने जाने वाले विपक्षी पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होगी, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में नहीं जानता। शिवसेना सांसद संजय राउत ने स्पष्ट कहा कि शिवसेना इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं है। आपको बता दें कि नागरिकता कानून पर विपक्षी पार्टियों का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाला है। संजय राउत से महाराष्ट्र में नागरिकता संशोधन कानून लागू किया जाएगा या नहीं, इस पर भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कैबिनेट की मीटिंग में करेंगे। बता दें कि शिवसेना ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किया था, लेकिन राज्यसभा में वोटिंग के दौरान उन्होंने वॉकआउट कर लिया था। आपको यह भी बता दें कि नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। जामिया में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी देखने को मिली, जिसमें करीब 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए और बाद में पुलिस ने 50 छात्रों को हिरासत में ले लिया था। हालांकि इन छात्रों को कुछ ही देर बाद रिहा कर दिया गया था। देश के बाकी हिस्सों में भी इस एक्ट के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन शिवसेना अभी तक इस एक्ट को लेकर कंफ्यूज दिख रही है कि वो इसका समर्थन करे या विरोध। वैसे फिलहाल उसने दोनों तबलों पर हाथ रख रखा है, लेकिन जल्द ही उसे अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, वरना न वो इधर की रहेगी ना उधर की। आपको क्या लगता है, क्या शिवसेना अपनी छवि के खिलाफ इस बिल के खिलाफ जाएगी या फिर वो इस पर स्टैंड न लेकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।